गाइज आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रोम की जो ए टू जेड सेटिंग्स हैं उसके बारे में, जैसे कि क्रोम की हिस्ट्री अगर आपने डिलीट कर दी है तो आप उसको वापस से कैसे देख सकते हो। अगर आपने अपने क्रोम की पूरी हिस्ट्री सभी जगह से डिलीट कर दी है फिर भी आपकी जो क्रोम की हिस्ट्री है वो कहाँ पर सेव है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज बताने वाला हूँ। तो आप अपने क्रोम की पूरी हिस्ट्री कहाँ पर देख सकते हो और जो भी क्रोम की ए टू जेड सेटिंग्स हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो माय नेम इज सत्यम, वेलकम टू माय इन्फॉर्मेशन इन हिंदी चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर न्यू टैब। अगर आप यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। ऊपर की साइड आपको स्टार का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन की है अगर आप उसको यहाँ से स्टार पर क्लिक कर देते हैं तो बुकमार्क हो जाएगी। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है यहाँ पर न्यू एनकाउंटर टैब। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो आपका हिस्ट्री पर सर्च नहीं होगा, यानी कि आपने यहाँ पर जो भी सर्च किया हुआ है तो वो आपका हिस्ट्री पर नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। अगर आप यहाँ हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपने क्रोम पर अपनी वेबसाइट सर्च की होंगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डेटा आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको क्लियर डेटा आपको इस पर कर देना है क्लिक, तो यहाँ से जो भी आपकी हिस्ट्री होगी वो पूरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डाउनलोड की। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी डाउनलोड किया हुआ है या फिर अभी डाउनलोड हो रहा है तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या डाउनलोड किया हुआ है और क्या क्या यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रिसेंट टैब की। अगर आपने यहाँ पर कोई वेबसाइट सर्च की है या फिर आपने यहाँ पर कोई भी टैब आपके यहाँ पर ओपन है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। आपको यहाँ पर रिसेंट टैब आपको इस पर क्लिक कर देना है तो जो भी आपने यहाँ पर टैब ओपन की हुई है रिसेंटली तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का। अगर आप अपने वेबसाइट पर डेस्कटॉप मोड पर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना है तो जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो डेस्कटॉप साइट पर हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर सेटिंग्स का। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपकी सबसे पहले ईमेल आईडी लॉगिन है और यहाँ पर जो नीचे की साइड जो सर्च इंजन है वो है यहाँ पर गूगल, यानी कि हम यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर पासवर्ड का। अगर आपने अपने वेबसाइट पर कोई भी पासवर्ड लगाया हुआ है या फिर आपने कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन की हुई है जहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर पेमेंट मेथड। अगर आपने यहाँ पर अपना पेमेंट यहाँ पर ऐड कार्ड किया हुआ है, जैसे कि आपने यहाँ पर एटीएम कार्ड लगाया हुआ है, तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कार्ड इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप अपना पेमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर एड्रेसेज एंड मोर का। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट जिस पर आप अपना ऑनलाइन कुछ भी प्रोडक्ट मंगाती हैं वहाँ पर आप अपना एड्रेस ऑटोमेटिक वहाँ पर फिल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस ऐड कर देना है और उसके बाद जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट मंगाएंगे ऑनलाइन तो वहाँ पर ये जो एड्रेस है वहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर हम नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने क्रोम की सभी नोटिफिकेशन शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शो नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके जो भी नोटिफिकेशन होंगी तो वो यहाँ पर सब शो हो जाएंगी। इसके बाद थीम। तो यहाँ पर हम थीम पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने क्रोम की थीम को डार्क करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डार्क मोड सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने क्रोम की थीम को लाइट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लाइट पर क्लिक कर देना है तो ये यहाँ से पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं टूल बार शॉर्टकट की। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर वेबसाइट पर देखा होगा ऊपर की साइड जैसे कि यहाँ पर माइक का ऑप्शन आता है या फिर न्यू टैब का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम न्यू टैब सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट देखेंगे और ऊपर की साइड आप देखेंगे वेबसाइट की साइट पर तो यहाँ पर आपको न्यू टैब का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपने क्रोम पर ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट स्केलिंग देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वेबसाइट पर हम उसको यहाँ से जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं कि यहाँ
यहाँ पर हम इसे छोटा बड़ा देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे साइट सेटिंग, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपके सामने बहुत से ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर हम उनके बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन का यूज अगर आप करते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर तो ये आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। और नीचे की साइड आएंगे जैसे कि यहाँ पर पॉपअप्स एंड रिडायरेक्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इसे यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। इससे क्या फायदा है कि जो भी आप अपना वेबसाइट ओपन करते हो अगर वहाँ पर कोई भी पॉपअप ओपन नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट पेज नहीं ओपन होता है, तो यहाँ पर अगर आप इसे अलाउ कर देते हैं तो जो भी आपको नेक्स्ट पेज होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने एड्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसे ब्लॉक कर देना है, यानी कि अभी ये ब्लॉक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे डेटा स्टोर्ड की, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे जो भी हमारा डेटा है, यानी कि जो भी हमने अपने क्रोम पर सर्च किया हुआ है तो वो पूरा यहाँ पर स्टोर हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आपने यहाँ पर जो भी वेबसाइट ज्यादा अगर आपने यूज की हुई है तो वो यहाँ पर सेव हो जाएंगी, यानी कि जो भी उनका डेटा होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लियर ऑल डाटा आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो जो भी आपका स्टोरेज डाटा होगा वो यहाँ से पूरा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा ऊपर की साइड आना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल साइट का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप वो वेबसाइट देख सकते हो जो आपने अपने क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री से डिलीट कर दी है, यानी कि आपने डिलीट की गई हिस्ट्री आप यहाँ से वो देख सकते हो। तो आपने अगर सभी जगह से अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया है तो आपको यहाँ पर वो वेबसाइट दिखेंगी जो आप डिलीट कर चुके हो। तो आपको ये कैसे डिलीट करना है, आपको पहले सबसे पहले जो भी आपकी यहाँ पर वेबसाइट है आपको यहाँ पर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर एंड रिसेट का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज की, तो यहाँ पर हम लैंग्वेज पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की हुई है हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट एंड इंग्लिश यूके, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं डाउनलोड की, तो यहाँ पर आप डाउनलोड पर देख सकते हो कि जो भी आपने यहाँ पर कोई फाइल डाउनलोड की हुई है तो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो। इसके बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर अबाउट क्रोम, तो यहाँ पर हम क्रोम का देख सकते हैं कि जो उसका वर्जन है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लीगल इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज आप यहाँ से देख सकते हो। गाइस आज की वीडियो मैंने आपको क्रोम की सभी सेटिंग्स के बारे में बताया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।